बच्चों, मैं आज आपको डर कि किस प्रकार से हम दिए गए प्रश्न में से डर निकाल सकते हैं। और डर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है डर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। यदि हमें सूत्र मालूम हो तो हम प्रश्न में से ब्याज की दर को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, पहला प्रश्न है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 120 रुपए हो जाएगा। इसमें हमको किस वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए हमें इसमें दर निकालना है, 300 रुपए का, 300 रुपए हमारा मूलधन है, साधारण ब्याज 5 वर्ष में, समय 5 वर्ष है, और 120 रुपए ब्याज है। इसमें हमें प्रश्न में जो जो चीज हमको दी है पहले हम उनको नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर एक है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, सबसे पहले देखिए इस प्रश्न में हमको दर निकालना है। मूलधन 300 रुपए का, मूलधन जो हमको दिया गया है, मूलधन है हमारा 300 रुपए, साधारण ब्याज 5 वर्ष में, समय जो दिया गया है, समय है इसमें हमारा 5 वर्ष, 120 रुपए क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है इसमें, साधारण ब्याज या ब्याज हम इसको लिख सकते हैं, ब्याज बराबर 120 रुपए, और हमें इसमें दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करने के लिए हमें दर का सूत्र मालूम होना चाहिए, तो हम सबसे पहले जो दर का सूत्र है उसे लिख देंगे, ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। देखिए ये हमारा सूत्र है और इसी सूत्र के आधार पर हम दर निकालेंगे। ब्याज हमको दिया गया है 120 रुपए, 120 गुणा 100 बट्टा मूलधन, मूलधन इसमें हमको दिया गया है 300 रुपए, मूलधन है हमारा 300 रुपए, और समय, समय दिया गया है हमको इसमें 5 वर्ष। अब आप इसको काट सकते हैं, देखिए ये दो जीरो से हमने ये दो जीरो काट दिए और ये तीन है, तीन से हमने 120 को काटेंगे, तीन चक्को 12 और जीरो का जीरो, और पांच से हम 40 को कटेंगे तो हमारा आया 8, 8% ब्याज, हम जो ब्याज की जो दर आएगी, दर हमारी हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो दर हमारी 8% आई। इस प्रकार से यदि हमें सूत्र याद हो तो हम बहुत ही आसानी से दर ज्ञात कर सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न है सबसे पहले आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। देखिए दूसरा प्रश्न है 5000 रुपए का, यानी 5000 हम पे मूलधन हो गया, 4 वर्ष में, समय हम पे 4 वर्ष हो गया, साधारण ब्याज 1200 रुपए, ये हमारा ब्याज हो गया, तो दर प्रतिशत ज्ञात करनी है, हमें इसमें दर ज्ञात करनी है। अब देखिएगा हमें सबसे पहले हम लिखेंगे दर हमने ज्ञात करनी है, तो दर में हमने क्वेश्चन मार्क की, ये हमने ज्ञात करनी है। अब दिया क्या क्या है हमको, 5000 रुपए क्या दिया है हमको, मूलधन, मूलधन कितना है 5000 रुपए, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष में समय दिया है इसमें हमको, समय बराबर है 4 वर्ष, साधारण ब्याज 1200 रुपए, ब्याज, ब्याज दिया है हमको इसमें 1200 रुपए, ठीक है, ये हमें दिया गया है और दर हमको ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमको दर निकालने का सूत्र याद होना चाहिए। दर निकालने का सूत्र है
ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा क्या दिया है हमको, समय। देखिए ये हमको याद है, अब हम दर बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज कितना दिया गया हमको, ब्याज दिया है 1200 रुपए। तो 1200 गुणा 100। अब देखिए मूलधन, यहां पे मूलधन है तो मूलधन कितना दिया गया है हमको, 5000 रुपए। 5000, समय कितना दिया है, 4 वर्ष। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 1 जीरो से हमने ये 0 काट दिया। अब हमने 4 का भाग इसमें 4 दिया 12, ठीक है, और 5 से हमने इस 10 को काट दिया, 5 दुनी 10। अब जो हमारे पास बचा, नीचे कुछ नहीं बचा है, 3 दुनी 6 दर प्रतिशत, 6% इसकी वार्षिक ब्याज की दर आ गई। देखिए सवाल यदि हमारी समझ में आ रहा हो, हमको पता, ये पता होता है कि दर इसमें हमें ज्ञात करनी है और मूलधन, समय और ब्याज यदि हमको मालूम है तो दर हम इस सूत्र में रख के बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक प्रश्न मैं आपको और बताता हूं, प्रश्न नंबर 3 है मेरा। देखिए 1800 रुपए का तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि ये क्या है हमारा, देखिए हम इसको साथ में लिखते भी चल देते हैं, 1800 रुपए क्या है हमारा, मूलधन। 1800 रुपए का तो हमारा क्या आ गया, ये 1800 रुपए है हमारा मूलधन। 1/2 वर्ष में, वर्ष माने ये हमारा समय आ गया, समय कितना है, 1/2 वर्ष, ठीक है। में मिश्रधन, ये मिश्रधन दिया गया है हमको, ये क्या दिया है, मिश्रधन कितना दिया गया है, ये है हमारा 2250 रुपए, ठीक हो गया। मिश्रधन 2250 रुपए हो जाता है तो हमको क्या ज्ञात करनी है, दर प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है और हमें क्या निकालना है, दर प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए हमें यहां पे मूलधन दिया है, हमें यहां पे मिश्रधन दिया है, जब मूलधन और मिश्रधन हमको दिया हो तो हम ब्याज मिश्रधन में से मूलधन को यदि घटा देंगे तो हमको ब्याज प्राप्त होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ब्याज बराबर, ब्याज कितना दिया गया हमको, 2250 में से मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देंगे, मूलधन को हमने घटा दिया तो कितना आ गया, 450 रुपए, ये हमारे पे 400 रुपए के आगे ब्याज। अब हमारा प्रश्न, जो प्रश्न हमको जो दिया गया था वो गणितीय भाषा में हमने यहां पे लिख दिया गया है, अब हम इससे दर ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम दर ज्ञात करने के लिए हम दर का सूत्र ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय, ये हमने सूत्र लिखा और सीधे से हमने दर ज्ञात करेंगे। ब्याज दिया गया हमें, ब्याज कितना है, 450 गुणा 100। मूलधन कितना दिया है हमको, देखिए मूलधन है हमारे पे 1800 रुपए, और जो ये समय दिया है, सबसे पहले हम ये जो समय हमारा संयुक्त भिन्न में दिया है इसको हम विषम भिन्न में बदल देंगे कि 2 दुनी 4 = 5/2, ये हम पे 5/2 वर्ष हो गया। अब हमने समय लिखना है तो ये 5 तो हमारा बट्टे में आएगा और 2 जो है 2 हमारा अंश की तरफ चला जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए, ठीक है, इस 2 से हमने इसको काट दिया 9, ठीक है। अब 9 का भाग 45 में जाता है, 9 × 5 = 45, 0 का 0 50 बार ये कट गया। अब 5 से हम इस 50 को काटेंगे तो काट के हमारा 10 आ गया, तो उत्तर जो हमारा आएगा 10%, 10% हमारी वार्षिक ब्याज की दर आएगी।
तो इसलिए बच्चों देखिए, यदि हमें दर निकालना है तो सबसे पहले हमें दर का सूत्र याद होना चाहिए, और दी गई संख्याओं को हम, जैसे ब्याज हमें दिया है, मूलधन दिया है, समय दिया है, तो उसको सूत्र के अनुसार रख के हम उसको बाद में सॉल्व करेंगे, तो हमारा दर हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।